हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं अंबानी की शादी रोस्ट इन माय न्यू सेटअप। और ये वीडियो है बाय ट्रिगर्ड इंसान। तो ट्रिगर्ड इंसान की नहीं, ये जो सेटअप है, सेटअप क्या उनका नया घर में नया सेटअप एंड एवरीथिंग, तो उसमें फोटोशूट है, वीडियो ये है, रोस्ट वीडियो नया बनाया है। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय ट्रिगर्ड इंसान इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हाँ 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 ये सही है भाई। अब इस पे मैं ऐसे लाते ऊपर रख के भी रिकॉर्ड कर लूंगा। क्या जिंदगी है। ओहो बढ़िया भाई, मजा आ गया भाई। हमें छापरी इतना सा डांस थक गया। ओ भाई भाई, सेक्स बॉय सेक्स बॉय। पुराना वाला ही अच्छा था सेटअप भाई, ये नया सेटअप बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। पुराने सेटअप में ऐसे माइक लेके दूर नहीं जा सकता था मैं, गाने नहीं गा सकता था मैं। सात फेरे संगलू तेरे, बस रहना मुझको अब है तेरे साथ। क्या मैं पुराने वाले सेटअप में गार्डरील मार सकता था? ओ भाई यार, क्या मैं पुराने वाले सेटअप में तल्लू भाई का डांस स्टेप कर सकता था? लेकिन आपकी बॉडी तो मूव कर रही थी और आपका दिल नाच रहा था। 40 रुपए की सुपर चैट आएगी, ट्वर्क करो भाई। नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया है और जीत भी गया है। हेलो मम्मी, कमेंट में बैठा हुआ कोई एक बोल रहा है, भाई ओल्ड सेटअप ज्यादा अच्छा था, ओल्ड सेटअप चाहिए हमको, तो वी वांट ओल्ड ट्रिगर्ड इंसान। थंबनेल के लिए फोटोज कैसे देगा भाई अब? स्केर्ड वाला, एंग्री वाला, ये तो पायल जोन हो रहा है। कुछ बहुत बुरा हो गया, कुछ बहुत अच्छा हो गया। You won't believe what happened. मैं पागल हो गया हूँ अपने नए सेटअप पे आके। हाँ। Hello guys, it's your boy Trigna Chigu. Welcome back to another video. First video from the new setup. Setup नया है लेकिन इंसान वही है, वही videos दिखाएगा तुम्हें और lame से jokes बोलेगा, उसके बाद खुद ही अपने jokes पे हंसेगा। लेकिन आज मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं क्योंकि नया सेटअप है तो कुछ नया करना चाहिए ना। तो नए के नाम पे हम क्या करने वाले हैं, एवरी टाइम आई सी अ वीडियो जिसको देख के मैंने अगर इतना सा भी रिएक्शन दिया तो मैं कार्टव्हील करूंगा। इससे ज्यादा क्रिएटिव मैं कुछ सोच नहीं पाया। तो चलो फिर, देखा खुद के जोक पे हंस दिया मैं फिर से। भाई अपनी बंदी को संभाल, ओ माय गॉड, बहुत बिगड़ रही है। हाँ? वो छोटी बच्ची है वो। मैंने तो बिगाड़ा है। लगता है कमरे में बत्ती बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। एक सेकंड रुकना जरा, कार्ट व्हील मारनी पड़ेगी। भगवान ना, इस कार्ट व्हील के साथ मुझे उठा ही लेते तो अच्छा था। क्या देख लिया है मैंने, एक बार तो बनता है। ये तो टट्टी है। पिकाचू भाई एक काम कर, मुझे जितना मार सकता है ना मार मार, मुझे मार मार, मेरी गलती है, मैं इंस्टाग्राम पे गया, मार मुझे और मार, इतना मार 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 के मेरा कचुंबर बना दे भाई। या तो तू मुझे मार डाल या फिर ये इंस्टाग्राम ऐप बैन करवा दे। Are you sure about रहने दे भाई, 2 घंटे के लिए इंस्टाग्राम डाउन हुआ था भाई लोगों के ना, कलेजे तक आ चुका था सब कुछ। भाई इंस्टाग्राम गायब हो गया, आपका भी इंस्टाग्राम गया भाई, अब तेरा धंधा कैसे चलेगा? यूट्यूब है ना, टेंशन नहीं लेने का। कैसे बाल बनवाने हैं आपने? परी वाले बाल, जबरदस्त परी वाले बाल, परी वाले, परी वाले बाल बना दो पापा की परी। फिर आपको दिखाते हैं कैसे परी वाले बाल बने इसके। ये बन भाई, देख सकते हैं बच्ची के बाल बन चुके हैं ऑलरेडी, छोटे नहीं करे हमने, सेट करे और थोड़ा लुक दिया है ताकि थोड़ा लुक अच्छा। बच्ची के बाल बन गए, मोर लाइक बच्ची का मुंह बन गया फॉर रियल भाई। बताओ बेटा कैसे बाल बने आपके? अच्छे बाल बने, मर चुकी है वो अंदर से। कैसे बाल बने हैं? अच्छे ब्रो, दिस इज लिटरली मी। एवरी टाइम मैं हेयर कट कराने जाता था बचपन में तो मेरा चाइल्डहुड क्रश था करण सिंह ग्रोवर, तब दिल मिल गए करके एक शो आता था, तो उसके ना बाल देख के मेरे को ऐसा लगता था भाई मेरे को भी ऐसे बाल कराने हैं, तो मैं बार बार के पास जाता था, भैया भैया मेरे को करण सिंह ग्रोवर जैसे बाल कर दो, एंड दिस इज लिटरली व्हाट आई वुड एंड अप विद एवरी टाइम।
बिल्कुल करण सिंह ग्रोवर वाले ही तो लग रहे हैं, क्या बोल रहे हो? मारी पर सही है, इसी बहाने एक साल का जिम कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, दुनिया का सबसे प्यारा नाम कौन सा है? हमें छापरी ग्रो व्हाट द रिस। तुम देख रहे हो और देख के इस पे हंस रहे हो भाई, तुम सिंगल बैठे हो ना। He got all the grills be dying for bros। जब डिलीवरी 7 मंथ में हो जाए। Pikachu मुझे मार। जब डिलीवरी 7 मंथ में हो जाए। अब तो काट विल भी ना हो रही मेरे से। ब्रो वैसे हमें इस पे हंसना नहीं चाहिए। भाई को बवासीर है। अरे यार अब नया सेटअप है तो क्या, मतलब पुराने वाले जोक नहीं मारूंगा क्या? ओहो कनॉट प्लेस में। सो जो दिल्ली के बाहर से है तुम्हें नहीं पता होगा, बट सीपी एक बहुत ही पॉपुलर जगह है दिल्ली में, जहाँ पे इंस्टाग्राम टिकटॉक सबके छपरी जो है इनका पूरा संगठन बैठता है। लड़की तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे 2020 चल रहा है। ओ भाई ने एनर्जी ड्रिंक से हाथ धो दिया। ओह माय गॉड, टिकटॉक वापस आ गया है क्या? 2020 यहाँ पे बस एक ही चीज की कमी थी। नहीं भाई बट फॉर रियल, लड़की ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे 2020 में बिना सैनिटाइजर के हाथ मिला लिया हो मैंने इससे। अरे देखा कनॉट प्लेस, सबके सब छपरी, ऐसी रैंडम लड़की के सिंदूर लगा दिया, बस 2 थप्पड़ मारे, 3 मारे, 4, 5। तो भाई तेरा दुख दर्द क्या है इसमें? भाई ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे लड़की ने पता नहीं कितना गलत कर दिया इसके साथ। रैंडम चलती राह चलती लड़की के सिंदूर पहन रहा है और सोच रहा है पता नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने तो सोचा था इसको बहू बना के घर लेके जाऊंगा, पर ये तो गोल्ड डिगर निकली। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिंदूर लगाया था ना, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट वो मेरी बीवी थोड़ी ना, रैंडम लड़की थी सड़क वाली और उसके सिंदूर लगा के मैं सोच रहा था भाई ये तो पट जानी चाहिए, पर लड़की ने तो मेरे को 4 चपेटे मार दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं रोऊंगा क्योंकि लड़की गज्जी थी, बहुत खराब लड़की थी। फिर ऐसे ही लोग इनके कॉमेंट में लिखते हैं भाई ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अबे लड़की लायक नहीं है क्या? तू किसी चीज के लायक नहीं है। और इसकी शक्ल देख के ना मेरे को कुछ याद आ रहा है, ये तो वही है वो जो कोक पी के पिचकारियां चला रहा था मेट्रो में। भाई इसको एक काम करो, मेरी तरफ से भी 6 मारी। ये कार्टवील वाला आइडिया जिसका भी था ना, नरक मेलक से सजा मिलनी चाहिए उसको। ओ वेट, तो मेरा ही आइडिया था। ट्रिगर्ड भाई आप तो जोक्स कर देते हो। क्या बात है, क्या बात है, अंबानी जी की शादी, अंबानी जी के बेटे की शादी। वो बात अलग है कि भाई लोगों की शादी जो है वो जुलाई में होने वाली है, लेकिन मार्च में इनका प्री वेडिंग चल रहा है जिसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड और भाई साहब अंबानी जी ने दिखा दिया है सारे, एक तरफ अंबानी जी ऑन टॉप, झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अंबानी जी ने सारे बॉलीवुड वालों को एक बस में ऐसे भरा है जैसे दिल्ली की लोकल DTC बस हो, उसमें भर भर के सबको शादी के वेन्यू पे लेके गया है और हर एक को नचवाया है भाई, बॉलीवुड का कोई नहीं छोड़ा जो अंबानी जी की शादी में ना हो। और ये सब इसलिए कि अंबानी जी को अपनी इमेज थोड़ी क्लीन कर दी है। अब ये थोड़ी ना कह रहे हो कि ये सब क्यों किया गया है, क्योंकि अगर शादी जुलाई में है तो मार्च में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने पहले ही उसकी इतनी ज्यादा प्रमोशन, इतनी ज्यादा PR क्यों हो रही है? और अचानक से तुम्हें अनंत अंबानी जी की ऐसी वाली रीले क्यों दिखने लग गई है? जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है, मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं। अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है कि एकदम से हर जगह इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं चले जाओ फेसबुक पे, सिर्फ यही वाली क्लिप्स तुम्हें देखने को मिल रही है? क्या ये एक पेड कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि अंबानी की इमेज क्लीन की जा सके? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस कुछ टाइम पहले जो है एक ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसके बाद कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, तो क्या यहाँ पर अच्छे संस्कार के नाम पे पूरी बॉलीवुड से PR लेकर अंबानी जी अपनी इमेज क्लीन कर रहे हैं? और क्या मेरे ये बोलने की से मेरी ये वीडियो हटाई जा सकती है? मेरे को कुछ बोलने नहीं चाहिए, मैं पागल हूँ क्या? अंबानी जी तो पंगे क्यों ले रहा हूँ? अंबानी जी मेरे ऊपर भी पैसों के 2-4 नोट के छींटे गिरा देते तो मैं भी कुछ अच्छा अच्छा बोल लेता उनके बारे में, मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे डाल देता कि अनंत अंबानी इज माय ड्रीम हस्बैंड, आई मीन ही इज द आइडियल हस्बैंड फॉर ऑल द वीमेन। ऐसा कौन आ गया तेरी जिंदगी में
जो तुमने कॉल करना छोड़ दिया। तेरी मम्मी अरे मतलब तेरी मम्मी आ गई और उन्होंने बोला आज के बाद मेरी बेटी को कॉल मत करियो, क्योंकि दांत मेरे इतने अच्छे नहीं है, टेढ़े वेढ़े से है, एक ऊपर है एक नीचे है एक तीखा है, तो मेरे जो दांत है ना वो दांतों की वजह से आपकी मम्मी ने बोला कि तुम्हारे दांत अच्छे नहीं है और उन्होंने मुझको डांट दिया, तो इस वजह से मैं चुपचाप दांत दांत कर रहा हूं। वाह दीदी वाह, क्या वीडियो बनाई है, इस वीडियो के लिए तो आपकी दांत देनी चाहिए। हेलो तुम क्या देख रहे हो, चुपचाप जाके ब्रश करो वरना तुम्हारे भी दांत नहीं बचेंगे। कोलगेट लगाएं, दांतों के सड़न मसूड़ों से बचाएं। मसूड़ों को सड़न से क्या बोल रहे, छोड़ दो। हां मैं छापरी, क्या कुदरत का करिश्मा है, माशाल्लाह अद्भुत सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कारीगरी है, आपको बनाने वाले कारीगर के तो हाथ कटवा देने चाहिए। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। यही होता है जब तुम टिंडर पे लड़की ढूंढते हो। कितनी काट भी ले मारू भाई, क्या था, एक और करेंगे, इससे ज्यादा मैं कार्टविल नहीं मार सकता। मेरी हालत देखो तुम भाई, मेरे अदरक जैसे शरीर को देख के तुम्हें लगता है कि मैं एक वीडियो के लिए 15 कार्टविले मार चुका हूँ भाई, नहीं है मेरे बस में। भाग के आना पड़ेगा लाल छोड़ा ब्रो, गॉट द स्मूथेस्ट ट्रांजिशन आई हैव एवर सीन, मतलब इससे भी स्मूथ। Oh my God, that was smooth. But तुम्हें पता है इससे भी ज़्यादा smooth क्या है? The way मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, because नए सेटअप में पहली वीडियो, tried something new, cartwheel मारी भाई, काफी न्यू था मेरे लिए। I hope you guys enjoyed this video. If you did, इस वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आज तक नहीं बोला तो आज बोल देता हूँ ना, नए सेटअप पे आना, बाइक क्यों ना करेंगे, कमेंट करके बताना व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट और तुमने कितनी कार्टविले मारी, मुझे पता है तुम में से किसी ने कुछ नहीं करा, बट व्हाटएवर, एनीवेज आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए भाई नए सेटअप पे ज्यादा एक्साइटेड है ना आज। चिकन लेग पीस, देखा इस सेटअप पे मैं माइक को कहीं भी लेके जा सकता हूँ और फिर भी तुम्हें मेरी आवाज ढंग से आती रहेगी। चिकन लेग पीस, यार बहुत मजेदार एक्चुअली ये जो सेटअप था ना, बहुत सही, आई लव्ड इट। और जो वो कार्ड वीले मारते चल रहा है ट्रिगर इस वीडियो में भाई, मतलब जो पहला वाला सेटअप जो था उसमें इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता था चलने वलने एंड कुछ करने वरने के लिए, दिस वन इज वेरी नाइस, कुछ भी करवा सकते हो यार, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, मतलब तुम वो ऊपर चल के खुदवा भी सकते हो ट्रिगर को, मैं एक आइडिया दे रही हूँ देख लो। हाँ और वो अंबानी को कुछ बता रहे थे, व्हाट इज दैट सीक्रेट, तो उनको क्या क्लीन करवाना था उनका इमेज, मुझे वो नहीं पता कि क्या है, लाइक मे बी हो सकता है, मे बी पता नहीं, क्योंकि अभी जुलाई में शादी है तो भी प्री वेडिंग क्या 5 महीने पहले, ये ठीक है 1 महीना पहला वी कैन अंडरस्टैंड है, अंबानी है वो उनका चलता रहता है 1 महीने वाला प्री वेडिंग, 5 महीने क्या ही पता। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और उसको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू, थैंक यू।